रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मोना अपनी माँ मंजुला के साथ एक शादी समारोह में जाती है, जहाँ सभी का ध्यान दुल्हा दुल्हन की तरफ होता है, लेकिन मोना का ध्यान तो खाने के काउंटर पर होता है। उसकी नजरें यूं खाने की तरफ देखकर मंजुला उसका हाथ कसकर पकड़कर कहती है, बस करना लायक, अब क्या आंखों से स्वाद ले लेगी, क्या भूखे नंगों की तरह एकदम खाने को देखे ही जा रही है। हाँ तो हाथ छोड़ दो ना, तभी तो जाकर इस लजीज खाने का स्वाद जुबान से ले पाऊंगी। इसीलिए तो नहीं छोड़ रही, क्योंकि तू खाना खाती कहाँ है, खाने पर टूट पड़ती है, इसलिए थोड़ी देर में मेरे साथ चलियो, तब खाना मिलेगा तुझे। दोनों माँ बेटी आपस में खुसर पुसर कर रहे होते हैं कि तभी सामने से उनकी पड़ोसन कमला अपनी जरी की साड़ी चमकाते हुए वहाँ आती है और मंजुला से कहती है, अरे मंजुला, तुझे भी शादी में आने का नौता मिला था क्या? और नहीं तो क्या, तुझे क्या लगा हम बिन बुलाए बाराती है जो बिना बुलावे के कहीं भी मुंह उठाए चले जाते हैं। अरे भड़कती क्यों है, मैं तो मजाक कर रही थी, आज तुझे अपनी जेठानी की बेटी की ननद से मिलवाती हूँ, अब चल भी। तभी कमला जबरदस्ती मंजुला को अपने साथ ले जाती है और मोना इस बात का फायदा उठाकर बिना इधर उधर देखे खाने की ओर दौड़ पड़ती है और खाना लेकर जल्दी जल्दी खाना शुरू कर देती है। कुछ देर बाद दोनों माँ बेटे घर लौट आते हैं। अगली सुबह उठते ही पेट पकड़े मोना टॉयलेट में चली जाती है, तभी मंजुला दरवाजा बंद देखकर जोर जोर से दरवाजा पीटने लगती है। तभी अंदर से मोना कहती है, अरे माँ, ये दरवाजा है कोई मंदिर की घंटी नहीं है जो बजाई जा रही हो, थोड़ा सब्र कर लो। अरे तू तो आधी रात से टॉयलेट में कब्जा करके बैठी है, कम से कम सुबह के समय तो मुझे जाने दे। अरे माँ, मैं क्या अपनी खुशी से बैठी हूँ यहाँ, पेट में भूचाल आ रहा है, बार बार तभी आती हूँ ना। अरे नालायक, जल्दी निकल बाहर, मुझे भी जाना है। ओहो, क्या बिना किए निकल जाऊँ, थोड़ी देर में हो जाएगा, आती हूँ ना। कुछ ही देर में जब मोना दरवाजा खोलकर बाहर आती है तो मंजुला उसे साइड करती हुई झट से अंदर जाकर फट से दरवाजा फिर से बंद कर लेती है। तभी मोना राहत की सांस लेकर कहती है, अब थोड़ा हल्का महसूस हो रहा है, अब थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। आए, फिर से मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया, अभी तो आई थी मम्मी। इतना कहकर वो दरवाजा बजाने लगती है और कहती है, ओ माँ माँ, दरवाजा खोलो, मेरे पेट में परमाणु बम फूट रहे हैं। अरे रात से बाथरूम में आवन जावन लगा रखा है तूने, लग गए ना लूज मोशन। कितना मना किया था कि बेटी भूख से कम ही खाई हो, पर नहीं, शादी में पनीर की सब्जी देखी नहीं कि कढ़ाई में कूद पड़ती है और अब वही पनीर पेट में खलबली मचा रहे हैं। ओहो, इस हालत में भी आपको भाषण सूझ रहा है, अरे जो कहना है बाहर आके कह लेना, मैं नहीं तो यहीं पर कार्यक्रम कर दूंगी सारा। निकल लो माते, मैं ज्यादा देर नहीं रुक सकती। रुक, मैं आती हूँ। तभी मंजुला बाहर आती है और मोना एक बार फिर जल्दी से अंदर घुसकर जोरों से दरवाजा बंद कर लेती है। कुछ देर बाद धीरे धीरे चलते हुए मोना हॉल में आकर बैठ जाती है और मंजुला उसे नींबू पानी देती है। उसी वक्त उसकी पड़ोसन कमला वहाँ आती है और मोना की उतरी शक्ल को देखकर बोलती है, हाय दैया, रात की उछलती बंदरिया दिन में ऐसी मरीली चुहिया कैसे हो गई? क्या हो गया मोना? होना क्या है, रात को शादी का खाना दबा कर खा लिया, अब लूज मोशन की पुरानी बीमारी चालू हो गई। और क्या? लूज मोशन, ये क्या होता है? अरे आंटी, लूज मोशन नहीं, लूज मोशन। हाँ हाँ, वही, कैसी बीमारी है ये? अरे यार, ये तो बड़ी वाली चिरांद है। अरे आंटी, 10-30 साल डायरिया, पेट खराब होना, पेट में मरोड़ उठना, समझ आया? या फिर टॉयलेट के दर्शन करवाऊँ आपको? छी छी, अरे वही कर करके तो इसका पेट सूखा कुआं पड़ा है, इसको पता है कि ज्यादा खाना ये पचा नहीं पाती, फिर भी खाना देखते ही पागल हो जाती है। कोई नहीं, अब दस्त लग गए तो लग गए, एक काम कर, चावल को पतीले में उबाल कर उस पानी में नमक मिलाकर इसे पीने को दे दे, पेट को ठंडक मिलेगी और दस्त में भी आराम होगा। अच्छा, मैं अभी देती हूँ। इतना कहकर कमला वहाँ से चली जाती है। एक दो दिन में घरेलू इलाज से मोना की तबीयत भी ठीक हो जाती है। मोना वैसे तो खाने पर बहुत कंट्रोल किया करती थी, लेकिन स्वादिष्ट खाना देखकर
वो कभी खुद को रोक नहीं पाती थी। इसके कारण उसे बार बार लूज मोशन होते रहते थे। एक शाम वो कॉलेज से घर आ रही होती है, तभी रास्ते में उसे अपनी पुरानी फ्रेंड अलीशा मिल जाती है, जो उसे एक चाइनीज फूड स्टॉल पर लेकर जाती है। तभी मोना कहती है, अरे तू यहाँ क्यों लेकर आई है? यार इतने दिनों बाद मिले हैं, बिना कुछ खाए कैसे जा सकते हैं? चल मस्त मस्त गरम मोमोज खाते हैं। अरे तुझे कुछ खाना ही है ना, तो चल मेरे साथ घर चल, मैं तुझे माँ के हाथ के बने हुए भजिए खिलाऊंगी। अजीब पगलेट है, यहाँ मैं मोमोज खाने की बात कर रही हूँ और तुझे भजिए खाने की पड़ी हुई है। मैं कुछ नहीं सुनने वाली, तुझे मोमोज खाने ही पड़ेंगे। भैया दो प्लेट कुरकुरे मोमोज लगा दो। जिसके बाद ना चाहते हुए भी मोना को वो मोमोज अलीशा के साथ चलते खाने पड़ते हैं। कुछ देर में अलीशा वहाँ से टैक्सी करके निकल जाती है और मोना भी वॉक करते हुए बस स्टैंड पर जा रही होती है। तभी अचानक उसे पसीने आने लगते हैं और वो पेट पकड़कर कहती है, अरे यार इन मोमोज ने तो खलबली मचाना शुरू कर दिया। कहाँ जाऊँ, बहुत तेज प्रेशर बन रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा, क्या करूँ? ये तो गाँव भी नहीं है जो झाड़ियों में या नाली पर जाके बैठ जाऊँ। ये भगवान जानबूझ कर नहीं खाए थे, प्लीज 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 मेरी रक्षा करो, क्या करूँ। मोना पेट पकड़े लड़खड़ा कर आगे बढ़ती है, तभी उसे लेडीज टॉयलेट दिखता है और वो भागती हुई वहाँ जाती है। कुछ देर बाद वो वहाँ से बाहर आकर खुद से कहती है, चलो एमरजेंसी के लिए कम से कम सरकार ने कुछ तो इंतजाम किया है, लेकिन मेरे पेट का कोई भरोसा नहीं है, कहीं भी बेइज्जती करवा सकता है। अभी घर पहुंचने से पहले फिर से प्रेशर न बनने लगे, इसलिए दवाई ले लेती हूँ। इतना कहकर वो थोड़ी दूर चल के एक केमिस्ट की शॉप पर जाकर कहती है, लूज मोशन की दवाई देना। करने की या रोकने की? गजब आदमी हो यार, यहाँ कर के लगी पड़ी है। अरे रोकने की दे दो भाई। अरे भड़क क्यों रही हो मैडम, अपना काम है पूछना, अभी बिना पूछे करने की दे देता तो आपको ये दिक्कत होती ना। हाँ समझ लिया तुम्हारा दुख, यहाँ पहले ही हालत पतली हो रही है, अब तुम मेरे दुख की दवा दे दो। मोना के इतना कहते ही वो उसे दवाई दे देता है, जिसे खाकर मोना घर की ओर निकल जाती है। समय बीतता है, मोना अपने फेयरवेल के लिए तैयार होकर घर से निकल ही रही होती है कि तभी उसकी माँ उसे टोकते हुए कहती है, ओ कान खोलकर सुन ले, पार्टी में जा तो रही है लेकिन हमेशा की तरह ठूस कर मत आ जाइयो, वरना तेरी रात टॉयलेट में बैठे बैठे ही काली होगी, बता रही हूँ। ओहो माँ, टॉयलेट बोलकर इतने अच्छे मूड का कचरा कर दिया ना, अभी जाने दो मुझे, ख्याल रखूंगी मैं अपना। इतना कहकर वो घर से निकल जाती है और पार्टी में पहुंचकर नाचते गाते हुए खूब इंजॉय करती है, और खाने के टाइम पर वो बेफिक्र होकर पेट भर कर खाना खाती है। उसके कुछ देर बाद ही उसके पेट में गैस बनने लगती है और वो दो तीन बार जोर जोर से फाट करती है, जिससे सारा पार्टी का माहौल बदबूदार हो जाता है। सभी पार्टी हॉल से बाहर जाने लगते हैं। तभी गहरी सांस भरते हुए मोना कहती है, तूफान आने की हवा चल पड़ी है, जल्दी घर पहुंचना होगा वरना सारा रायता यही फैल जाएगा। इतना कहकर वो आगे बढ़ती है, तभी मनीष नाम का लड़का हाथों में गुलाब लिए उसके सामने आता है और उसी वक्त मोना को प्रेशर आने लगता है, जिसके कारण वो अपना पेट पकड़ कर खड़ी हो जाती है। मोना मैं तुम्हें फर्स्ट ईयर से ही लाइक करता हूँ, पर कभी कह नहीं पाया। अरे तो अब भी क्यों कर रहे हो? क्योंकि अगर आज नहीं कहूँगा तो कभी नहीं कह पाऊंगा, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, क्या तुम ये रोज एक्सेप्ट कर मुझे अपना जवाब बता सकती हो? क्या मुसीबत है यार, सामने इतना मस्त लड़का मुझे प्रपोज कर रहा है और मेरे लूज मोशन का दरिया बहने को बेकरार है, करूँ तो क्या करूँ? तुम कोई जवाब क्यों नहीं दे रही, क्या हुआ, तुम्हारे पेट में दर्द है क्या? देखो अभी मुझे जाने दो, इस बात का जवाब मैं तुम्हें फिर कभी दे दूंगी, अभी हट जाओ प्लीज, बड़ी इमरजेंसी है। नहीं मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दे सकता। जाने दो वरना प्रेशर का बांध टूट जाएगा और मेरे साथ साथ तुम भी दिक्कत में आ जाओगे। मनीष उसे जाने नहीं देता और तभी एक हल्की सी आवाज के साथ मोना का बांधा बांध टूट जाता है। तभी वो मनीष को थप्पड़ मारकर अपनी ड्रेस पकड़े वहाँ से निकल जाती है
इस घटना के बाद से वो डॉक्टर के पास जाकर अपने लूज मोशन के लिए प्रॉपर दवाइयां लेती है और खाने पर हद से ज्यादा ध्यान देती है। चिंकी एक बेहद ही आलसी लड़की थी जिसे सिर्फ और सिर्फ खाना खाने का शौक था, न कि उसे बनाने का। ऐसे ही एक दिन चिंकी अपने घर आती है और आते ही अपनी माँ भावना से बोलती है, माँ, ओ मेरी प्यारी माँ, मुझे कुछ खिला दो ना, मुझे बहुत भूख लग रही है। मम्मी सुन भी लो। क्या है, क्यों चिल्ला रही है पागलों की तरह? तुझे तो कोई काम नहीं है, दूसरों को तो करने दे। हाँ हाँ कर लेना अपना काम, पहले मुझे कुछ खाने को दो, मुझे भूख लगी है। खाना नहीं बना अभी, समझी, मुझे बहुत काम है। जा तू ही कुछ बना ले अपने और मेरे लिए। ओ माँ, मेरे से नहीं बनाया जाएगा कुछ, तुम बना दो ना। ठीक है, फिर रह भूखी। चिंकी की भूख उसके बर्दाश्त के बाहर होती है। वो अपनी माँ के फ्री होने का इंतजार नहीं कर पाती, इसीलिए वो अपनी दोस्त मिनी को कॉल करती है और बाहर से कुछ खाने जाने के लिए उसको साथ चलने को कह देती है। थोड़ी देर में मिनी उसके घर आती है और दोनों मार्केट से कुछ अच्छा सा खाने के लिए निकल जाते हैं, जहां एक मोमोज के स्टॉल को देखकर मिनी बोलती है, ओ यार चिंकी देख मोमोज, आज मोमोज खाते हैं, मजा ही आ जाएगा खा के। मोमोज मैंने तो आज तक नहीं खाए हैं, चल आज ट्राई करते हैं। दोनों मोमोज की स्टॉल से मोमोज खाती हैं, जहां चिंकी को मोमोज बहुत पसंद आते हैं और वो मिनी से कहती है, यार ये तो बहुत टेस्टी है, आई लव इट। देखा मैंने कहा था ना, तुझे पसंद ही आएंगे। चिंकी मोमोज को पैक करवा लेती है और उसके बाद दोनों अपने अपने घर चली जाती हैं। चिंकी घर पहुंचकर प्लेट में मोमोज डालकर अपनी माँ को आवाज लगाती है, माँ, ओ मेरी माँ, जल्दी आओ, देखो मैंने क्या बनाया है आखिर अपने हाथों से। तू चिल्लाना कब छोड़ेगी, पागल कर देती है, बता अब क्या हुआ। ओहो माँ, जब देखो तब मुझे डांटती रहती हो, देखो मैंने आज मोमोज बनाए हैं। तूने सच्ची, ये चमत्कार कैसे हुआ? क्या माँ, खाके तो बताओ कि कैसे बने हैं। भावना को मोमोज बहुत पसंद आते हैं और वो खुश होती है कि उसकी बेटी को कुछ तो बनाना आता है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। चिंकी के लिए राघव नाम के लड़के का रिश्ता आता है और राघव अपनी माँ सुमित्रा के साथ उसको देखने आता है, जहाँ राघव की माँ सुमित्रा चिंकी से पूछती है, अरे बेटी तुम्हें खाना वाना बनाना आता है क्या? अरे बहन जी मेरी बेटी मोमोज बहुत अच्छे बनाती है, खाओगे तो खाते ही रह जाओगे। वाओ, मोमोज तो मुझे बहुत पसंद है। राघव और सुमित्रा को चिंकी बहुत पसंद आती है और कुछ समय के बाद दोनों परिवारों की सहमति से उनकी शादी करवा दी जाती है। शादी के बाद चिंकी को घर के काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, जिस वजह से वो आए दिन अपनी सास से ताने सुनती थी। ऐसे ही एक दिन चिंकी बैठकर टीवी देख रही होती है कि तभी सुमित्रा वहाँ आकर उससे कहती है, अरे ओ आलस की दुकान, कुछ काम भी कर लिया कर। अरे सोचा था कि मुझे आराम मिलेगा, मेरी बहू आएगी तो, लेकिन ये तो मेरा ही काम बढ़ाने आई है। ओ माँ जी, ये रोज रोज के ताने मारना बंद कर दो और नौकर रख लो ना काम के लिए, मैं घर की बहू हूँ, नौकरानी थोड़ी। हाँ हाँ तू तो अनोखी बहू है, मुझे तो एज अ सर्वेंट लेकर आया गया था यहाँ पर। आई डोंट नो अबाउट यू, पर मैं तो एज बहू आई हूँ। चिंकी को कोई काम करना पसंद नहीं था, पर कभी कभी अपनी सास के तानों से बचने के लिए वो घर के एक दो काम कर लिया करती थी। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। एक सुबह राघव, सुमित्रा और चिंकी बैठकर चाय पी रहे होते हैं, तभी राघव चिंकी से कहता है, चिंकी तुम्हारी माँ ने कहा था कि तुम्हें मोमोज बनाना आता है, प्लीज ना यार आज बना दो ना शाम को, मुझे बहुत पसंद है। क्या आज कैसे, मतलब कि वो? अरे बेटा इसे तो कुछ भी नहीं आता, वो भी झूठ ही बोला होगा इसकी माँ ने। जी नहीं माँ जी, कोई झूठ नहीं था, और राघव जी बन जाएंगे आज मोमोज, आप देखना हाथ चाटते रह जाओगे। अरे चलो, ये चाइनीज नाम वाली बहू के हाथ में चाइनीज स्वाद तो होगा ही ना। ये माँ से बोले हुए एक झूठ ने तो मेरी लंका लगा दी, अब मैं इन्हें मोमोज बना के कैसे खिलाऊं? बाहर से ले आती, अगर माँ जी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चिंकी शाम होने पर अपनी सास से छुपते छुपाते बाहर जाती है और मोमोज के स्टॉल से मोमोज पैक करवा कर घर ले आती है, साथ ही चुपके से बिना अपनी सास को पता लगे रसोई में जाकर मोमोज बनाने की एक्टिंग करने लगती है।
कुछ ही देर में राघव आ जाता है और चिंकी को आवाज लगाते हुए कहता है, चिंकी कहाँ हो, बना लिए क्या मोमोज? जल्दी ले आओ यार, इंतजार नहीं हो रहा मुझसे। चिंकी मोमोज को प्लेट में सजा लाती है और अपने पति और सास के आगे परोस देती है। दोनों माँ बेटे मोमोज खाकर अपने हाथ चाटने लगते हैं। तभी राघव कहता है, वाओ वाओ चिंकी, बहुत टेस्टी थे यार, तुम तो एकदम स्टॉल वाले मोमोज बनाती हो। हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा बेटा, इतनी टेस्टी मोमोज तो कोई चाइनीज ही बना सकता है, कहीं ये चाइनीज तो नहीं। उन दोनों को मोमोज बहुत पसंद आते हैं। आए दिन राघव की मोमोज की फरमाइश के चलते चिंकी को बाहर से मोमोज लाकर खिलाने पड़ते थे, जिससे वो काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी। ऐसे ही कुछ हफ्तों बाद राघव के जन्मदिन पर वो चिंकी से कहता है, चिंकी आज मेरे जन्मदिन के मौके पर मेरे कुछ खास दोस्त आएंगे शाम को, उन्होंने तुम्हारे मोमोज की तारीफ सुनी है मेरे मुंह से, तो उनकी भी फरमाइश है मोमोज खाने की, इसलिए तुम बना के रखना प्लीज। इतना कहकर राघव अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। कुछ ही देर के बाद चिंकी को याद आता है कि वो ये पूछना बिल्कुल भूल गई है कि आखिर आज शाम को कितने लोग आएंगे। वो राघव को कॉल करती है पर वो काम में बिजी होता है और फोन नहीं उठा पाता, जिसके बाद चिंकी खुद से कहती है, अब ये भी नहीं पता कि कितने लोगों के लिए मोमोज लाने हैं, ऐसा करती हूँ 5 लोगों के हिसाब से मोमोज ले आती हूँ। शाम होती है, राघव अपने दो दोस्त जिगर और सागर के साथ घर आता है, जहाँ उनके स्वागत के लिए चिंकी पहले ही उनको शरबत देती है, जिसको पीने के बाद सागर पिंकी से कहता है, भाभी जी अब तो बस मोमोज खाने हैं आपके हाथ के, बहुत तारीफ सुनी है। जी जरूर मोमोज तैयार हैं, आइए आप। राघव के दोस्तों समेत उसकी माँ भी खाने के टेबल पर बैठ जाती है, जहाँ चिंकी सबको मोमोज परोसती है। सागर जैसे ही एक मोमोज खाता है वो समझ जाता है कि ये मोमोज पास ही के स्टॉल के हैं। चिंकी के रसोई में जाते ही वो राघव से बोलता है, राघव भाई ये मोमोज भाभी जी ने नहीं बनाए, बल्कि ये पास के स्टॉल के मोमोज हैं, क्योंकि मैं अक्सर वहाँ जाता रहता हूँ। हाँ भाई सागर सच कह रहा है, मैंने भी खाए वहाँ के मोमोज, सेम टेस्ट है बिल्कुल। जिगर और सागर की बात सुनकर राघव और सुमित्रा गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि चिंकी ने उनसे झूठ जो कहा था, साथ ही उसका झूठ उसी के मुंह से निकलवाने के लिए राघव एक प्लान बनाता है, जिसमें सभी लोग उसका साथ देते हैं। वो सभी मोमोज खत्म होने के बाद और मोमोज खाने की डिमांड करते हैं, लेकिन चिंकी के लाए हुए सारे मोमोज अब तक खत्म हो चुके थे, पर उन सभी के और ज्यादा मोमोज खाने की डिमांड के चलते वो उन सब से कहती है, मैं आप लोगों से माफी मांगती हूँ, मोमोज का सारा सामान खत्म हो गया है और अब मैं और मोमोज नहीं बना पाऊंगी। कोई नहीं, सामान मैं ला देता हूँ और हम वेट कर लेंगे, तुम बना लेना जब तक। पर राघव जी इतने मोमोज खाना अच्छा नहीं है, अब आप कल खा लेना, मैं कल बना दूंगी। हाँ हाँ कल तो बनाओगी ना, क्योंकि स्टॉल तो बंद हो चुका होगा, तो अब और मोमोज कहाँ से लाओगी, है ना? राघव की बात सुन के चिंकी समझ जाती है कि उसका झूठ सबके सामने आ चुका है और अब उसके पास अपना झूठ एक्सेप्ट करने के सिवाय कोई चारा नहीं है, जिसके बाद वो उनसे कहती है, राघव जी मुझे माफ कर दो, मुझे मोमोज बनाने नहीं आते थे, पर मेरी माँ को भी मैंने झूठ बोला और झूठ बोल के उन्हें मोमोज खिलाए, जिसके बाद मुझे इस झूठ के चलते यहाँ भी उसका सहारा लेना पड़ा, क्योंकि अगर मैं सच बता देती तो आप और माँ जी मुझे माफ नहीं करते और मुझे कुछ ना आने की वजह से घर से निकाल देते। बात कुछ ना आने की नहीं है चिंकी, बात है झूठ की, अगर तुमको कुछ नहीं आता था तो तुम सीख सकती थी, लेकिन तुमने झूठ बोला क्योंकि तुमको वो आसान लगा, काम करना पसंद नहीं है ना तुमको, बस झूठ के सहारे ही अब तक मोमोज खिलाए तुमने सबको। सही कह रहा है मेरा बेटा, अगर तू सीखना चाहती है ना तो तू सब कुछ सीख सकती है, पर तुझे सीखना ही कहाँ है। चिंकी को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो सभी से माफी मांगती है और ये वादा करती है कि अब वो हर काम खुद से करेगी, साथ ही मोमोज बनाना भी सीख जाएगी। राघव और सुमित्रा भी उसे माफ कर देते हैं और समय के साथ साथ वो एकदम अच्छे और टेस्टी मोमोज बनाना भी सीख जाती है, जिसके बाद वो लोग खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।